आशिका सुबह सुबह नहा धोकर हाथों में पूजा की थाल लिए घर से मंदिर के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी उसको उसकी सास नारायणी आवाज लगाकर रोकते हुए कहती है, अरे बहू कहाँ अकेली जा रही है, मुझे भी साथ ले चल। माँ जी मैं तो मंदिर जा रही हूँ, आज सावन का पहला सोमवार है, मैं आज से अपने सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ। अरे बहू मैं भी आज से अपने 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ। कहते हैं सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करने पर मनोकामना जल्दी पूरी होती है। माँ जी आप 16 सोमवार के व्रत रखने जा रही है, वो किस लिए? मेरा मतलब है ऐसी कौन सी मनोकामना है आपकी? वैसे ही 16 सोमवार तो कुंवारी लड़कियाँ रखती है, उनको अच्छा पति मिले या सुहागने रखती है ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो और स्वस्थ रहे। मनोकामना बताई नहीं जाती, चल अब ज्यादा लेट हो गए तो मंदिर में भीड़ हो जाएगी। आशिका अपनी सास के साथ घर के पास वाले शिव मंदिर पर जाती है और सावन के पहले सोमवार भगवान शिव की आराधना करके अपने व्रत का उद्यापन करती है। इसी के साथ नारायणी भी अपने 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करके वापस घर आ रही होती है। तभी रास्ते में नारायणी की पड़ोसन कमला अपनी बहू के साथ मंदिर जा रही थी, जो नारायणी को देखकर कहती है, अरे वाह नारायणी, करवा आई अपने बहू के पहले सावन का उद्यापन, मैं तो जरा उठने में ही लेट हो गई थी, अब जा रही हूँ मंदिर। अब इस उम्र में कहाँ जल्दी उठने की आदत, अब तो पूजा पाठ भी बहू ने संभाल लिया है। सही है कमला, लेकिन भगवान की भक्ति में खोए रहने के लिए उम्र थोड़ी मायने रखती है, अब मेरी बहू के साथ मैंने भी व्रत रखा है। अच्छा इस उम्र में रख लेगी तू व्रत? मेरा मतलब कि मेरे से तो भूखा नहीं रहा जाता, कमजोरी आ जाती है, वैसे भी अब क्या चाहिए मुझे भगवान से जो भूखी रह कर प्रसन्न न करूं? आंटी जी भगवान से हमेशा मांगने के लिए व्रत नहीं रखते, वैसे भी कुछ देना होता है तो भोलेनाथ दे ही देते हैं। सही कहा मेरी बहू ने, अच्छा अब जाकर पूजा करा वरना और लेट हो जाएगी। इतना बोलकर नारायणी अपनी बहू के साथ घर वापस आ जाती है, जिसके बाद आशिका अपने घर के कामों में लग जाती है। अपनी बहू को व्रत में भी सारे घर का काम करते देखकर नारायणी भी उसकी मदद करवाने लगती है, जिस पर आशिका कहती है, माँ जी आप क्यों कर रही हैं काम, मैं कर लूंगी, वैसे भी आपका व्रत है, कमजोरी से बेहोश हो गई तो? अरे बेटा कुछ नहीं होगा मुझे, इतनी कमजोर नहीं है तेरी सास, जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं ताकि आराम कर लें तू और मैं। नारायणी जल्दी से अपनी बहू के साथ मिलकर घर के काम खत्म करवा देती है और दोनों सास बहू आराम करती हैं। ऐसे ही दोनों सास बहुएं शाम को कुछ मीठा खाकर अपना व्रत खोलती हैं। इसी तरह समय गुजरता है और सावन चला जाता है, जिसके बाद अब आने वाले सोमवार को आशिका का कोई व्रत नहीं होता और वो आराम से उस दिन सो रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर नारायणी दस्तक देती है और उससे बोलती है, बहू तो उठी नहीं अभी तक, अरे आज मंदिर नहीं जाएगी क्या? कमरे के बाहर से शिव अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अपनी पत्नी आशिका से कहता है, आशिका सुनाई नहीं दे रहा क्या तुमको? माँ चिल्ला रही है, जाकर सुनती क्यों नहीं हो? मुझे चैन मत लेने देना। आशिका आंखें मसलते हुए कमरे का दरवाजा खोलती है और अपनी सास को अपने सामने पूजा की थाली लिए देखकर बोलती है, माँ जी आप सुबह सुबह मेरी पूजा करने क्यों आई हैं? अरे तेरी पूजा करने नहीं आई बल्कि सोमवार है, शिव जी की पूजा करने जाना है मंदिर, लेकिन तू है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई, व्रत नहीं है क्या तेरा? माँ जी सावन के सोमवार तो चले गए तो मेरे व्रत भी खत्म। अच्छा अच्छा मैं भूल गई थी, मुझे लगा था तूने भी 16 सोमवार के व्रत रखे हैं मेरी तरह, चल ठीक है फिर मुझे आज अकेले ही मंदिर जाना पड़ेगा। इतना बोलकर नारायणी चली जाती है और आशिका दोबारा से सोने जाती है, जहां उससे शिव बोलता है, क्या हुआ क्या बोला माने? पता नहीं सासू माँ को इस उम्र में 16 सोमवार रखने का क्या भूत सवार है, कौन सी ऐसी मुराद बची है अब इनकी? अरे ससुर जी को गए भी 2 बरस हो गए हैं तो उनके लिए अब 16 सोमवार किस काम के हैं? हद है, तुमने खुद तो रखे नहीं है और मेरी माँ के व्रत रखने पर शक कर रही हो, और अब उठ गई हो तो सो मत, जाओ नाश्ता बनाओ जाकर, मुझे ऑफिस जाना है। आशिका शिव की बात से चिढ़कर नहाने चली जाती है और फिर जाकर नाश्ता बनाती है। कुछ देर में शिव ऑफिस के लिए निकल जाता है, तभी कमला घर आती है और आशिका से कहती है, आशिका बहू नारायणी कहाँ है, काम था मुझे उससे। आंटी जी वो क्या है ना, माँ जी तो मंदिर गई है, उनका फास्ट है ना, सावन तो खत्म हो गए,
अब उसका कौन सा फास्ट है? वो माँ जी ने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, तो आज भी उनका व्रत है, इसीलिए मंदिर गई हैं सुबह से। वाह, लगता है नारायणी बचपन की उम्र में जवानी के दिन याद कर रही है, जो इस उम्र में भी 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। क्या पता अगले जन्म के लिए किसी को मांग रही होगी। क्या आंटी जी, आप बिना ये माँ जी के 16 सोमवार ने तो अलग ही रायता फैलाया हुआ है। अब कहीं सब ये ना बोले कि सास 16 सोमवार रख रही है लेकिन बहू नहीं। कमला नारायणी के ना होने पर वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद नारायणी घर आती है और पूरे दिन फल आहार खाकर नारायणी दिन निकालती है। और शाम के समय जब आशिका खाना बनाने जा रही थी तो वो अपनी बहू से कहती है, बहू आज मेरा फास्ट है तो तू ऐसा कर साबूदाने की खीर बना ले, सब वही खा लेंगे, अब क्या अलग अलग बनाएगी। पर माँ जी, सिर्फ खीर खाकर पेट कैसे भरेगा, और ये काम से आएंगे तो खाने में बस खीर देखकर गुस्सा नहीं आएगा उन्हें। वो शिव तो बाहर से खाकर आएगा, उसका फोन आया था, और तू तो खा ही लेगी खीर, पिछले 4 सोमवार से भी तो मिठाई खाकर सोमवार की रात निकाली है, चल अब बना ले जल्दी से। आशिका को अपनी सास के सोमवार के व्रत की वजह से अपने लिए भी मीठा बनाना पड़ता है, जिससे वो थोड़ी चिढ़ सी जाती है। ऐसे ही अब हर सोमवार को होने लगा था। नारायणी का फास्ट होता था तो वो शाम के समय खाना वही बनवाती थी सबके लिए जो फास्ट में खाया जाता है, जिसके चलते 16 सोमवार की शाम जब नारायणी घर पर नहीं थी तब आशिका अपने पति शिव से कहती है, सुनो जी, मैं आज व्रत वाला मीठा खाना नहीं खाऊंगी, माँ जी से बोल देना सिर्फ वही खाएं, हमें ना जबरदस्ती ना खिलाएं। अरे हफ्ते के एक दिन वो भी रात का खाना तुम सिर्फ खीर या हलवा खाकर निकाल लोगी तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा। हाँ बस, आपको तो मुझे ही चुप करवाना आता है, अपनी माँ से एक बार पूछते क्यों नहीं। अरे किसके लिए 16 सोमवार के व्रत रख रही है। मानती हूँ इस उम्र में भगवान को याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस उम्र में भूखा रहना मुश्किल होता है, तो वो किसके लिए इतना कष्ट उठा उठा कर 16 सोमवार के व्रत कर रही है। जरूरी है क्या माँ ने किसी के लिए रखे ही हो, अपने लिए नहीं रख सकती वो, तुमको तो बस शिकायतें करने के सिवा कोई काम ही नहीं है। दोनों पति पत्नी आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी घर पर पास वाले मंदिर के पंडित जी आते हैं और नारायणी को आवाज लगाकर बोलते हैं, नारायणी जी घर पर हैं आप? पंडित जी की आवाज सुनकर आशिका और शिव उनके पास आते हैं और उनको अंदर आने का न्योता देकर सोफे पर बैठाते हैं, जिसके बाद शिव बोलता है, पंडित जी आप यहाँ कैसे? बेटा आज नारायणी जी के 16 सोमवार के व्रत का समापन था ना, तो उन्होंने सुबह पूजा करी थी मंदिर में, उस समय भीड़ थी तो मैं उनको प्रसाद नहीं दे पाया, अब देने आया हूँ क्योंकि यही खाकर वो अपने 16 सोमवार के व्रत का समापन करेंगी। अच्छा पंडित जी, माँ जी ने आपको बताया कि उन्होंने 16 सोमवार के व्रत क्यों रखे हैं? तुम फिर शुरू हो गई। बेटा वो मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हारी कुंडली में एक दोष है, तो या तो तुमसे 16 सोमवार के व्रत करवाए या खुद रखे, और हर सोमवार दोनों ही एक समय में मीठा भोजन करें, तो उन्होंने तुमसे ना कहकर खुद ही रख लिए ताकि तुम्हारी कुंडली का दोष हट सके। क्या माँ जी ने 16 सोमवार मेरे लिए रखे थे? हाँ बेटा। अच्छा अब ये प्रसाद उन्हें दे देना और तुम भी थोड़ा खा लेना, मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। जय भोलेनाथ। पंडित जी की बात सुनकर आशिका को अपनी गलती समझ में आती है कि उसने बिना कुछ जाने समझे ना जाने अपनी सास के बारे में क्या क्या सोच लिया, जबकि उसकी सास के 16 सोमवार तो उसी के लिए थे। अपनी गलती समझ में आने पर आशिका नारायणी के आने पर उसके पैर छूती है। शाम की आरती अपने घर में करके प्रसाद से अपनी सास के 16 सोमवार के व्रत का समापन करवाती है और उस दिन के बाद से पूरे दिल से अपनी सास की सेवा करती है।